हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आपका राम रानी बायोलॉजी क्लास में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल का नाम राम रानी बायोलॉजी क्लासेस से चेंज कर दिया है, जिसको मैंने आरबी क्लासेस अब रख दिया है, शॉर्ट फॉर्म रख दी है। नाम वही है, राम रानी बायोलॉजी क्लासेस स्टिल, लेकिन लोगों को सर्च करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने इसको आरबी क्लासेस कर दिया है। चलिए, आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि 10th क्लास के लिए हमने शुरू किया चैप्टर रिप्रोडक्शन, और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट इज अबाउट द वेरिएशन, कि वेरिएशन क्या होती है, हाउ वेरिएशंस अकर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन एंड इन व्हाट वे दीज वेरिएशंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनिज। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अगर अभी तक आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चों, जब भी रिप्रोडक्शन की बात होती है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो तरीके की हो सकती है, ठीक है ना? एक ए सेक्सुअल और दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हमने शुरू किया हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आज हम यहां पर शुरू कर रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे? एक्चुअली इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होती है एक नए इंडिविजुअल की, फ्रॉम स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड, कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड पार्ट होते हैं या अनस्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं। अनस्पेशलाइज्ड का मतलब, जैसे अगर हम अमीबा का एग्जांपल लें, वहां कोई भी स्पेशलाइज्ड पार्ट नहीं है जहां से यू कैन से रिप्रोडक्शन हो सकता है या एसेक्सुअली वहां से रिप्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन जब हम हाइड्रा की बात करते हैं, वहां पर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जो क्या करते हैं, वहां पर डिवाइड करके एक बड बनाते हैं। तो दैट मीन्स स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड दोनों पार्ट्स में हो सकती है ऑफ ए सिंगल पेरेंट, कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि यहां पर एक ही पेरेंट होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ द गैमिट्स, कि यहां पर कोई गैमिट फॉर्मेशन नहीं होती, अगर होती भी है तो फिर उनकी फ्यूजन नहीं होती, मीन्स फर्टिलाइजेशन इज अब्सेंट। तो दिस इज अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेशन। अब चलिए बात कर लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट फीचर देखिए, इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ द गैमिट्स, कि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमिट्स नहीं होता। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जो मैंने बता दिया, फर्स्ट यूनिपेरेंटल होती है, इट इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ये सबसे हम कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल। सेकेंड इज फ्यूजन ऑफ गैमिट्स इसमें नहीं होता, फॉर्मेशन तो हो सकता है, देर में भी फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट अकर, कैसे जैसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन हो गई है, लेकिन जो स्पोर होते हैं वो कभी भी आपस में फ्यूज नहीं करते, तो इसलिए गैमिट फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगी। ऑल द सेल डिविजन आर यूजली माइटोटिक। अब माइटोटिक वर्ड जब भी बच्चों आपके सामने आएगा तो हम सोच लेते हैं कि व्हाट इज माइटोसिस। देखिए बच्चों, जब भी माइटोसिस की हम बात करते हैं, माइटोसिस क्या है, एक इक्वेशनल डिवीजन है, मीन्स आपने पढ़ी है माइटोसिस, और माइटोसिस में क्या होता है कि ये एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो सेल डिवाइड करेगा ना, वो दो इक्वल हाउस में डिवाइड करता है, और उनका जो क्रोमोजोम नंबर है दैट रिमेन्स द सेम। कि जैसे हमारे पास ये पेरेंट सेल है, ठीक है ना, इसका जो प्लॉइडी है वो 2n है, ठीक है ना, जब ये दो नए डॉटर सेल में डिवाइड करेगा, ये नए डॉटर सेल बन गए हमारे पास, तो इनकी प्लॉइडी भी क्या होगी, 2n एंड 2ne रहने वाली है। तो इसका मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों के दोनों डॉटर सेल अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी हो सकते हैं, अगर एक्सेप्शन है कि वहां पर कोई माइनर सी यू कैन सी म्यूटेशन ना हुई हो, विदाउट म्यूटेशन वो आइडेंटिकल कॉपीज होंगे, तो देर में भी चांसेस। तो इसी को हम क्या कहेंगे, माइटोटिक डिवीजन हम इसको यहां पर कहते हैं। बच्चों, द यंग इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये पेरेंट है, ठीक है ना, ये डॉटर सेल है, ये भी डॉटर सेल है, तो अगर इनका जीनोम देखे, इनको जेनेटिकली अगर देखा जाए, दे आर वेरी सिमिलर टू द पेरेंट्स, ये पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होंगे, विद द एक्सेप्शन ओकेजनल म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब कोई सडन चेंज, और यू कैन से कोई वेरिएशन ना आ गई हो, क्योंकि जब डीएनए से डीएनए बनता है,
मे बी जब नई कॉपी बन रही है तो वहां पर एरर आ सकता है और उसी एरर से वहां पर म्यूटेशन पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो पांचवी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज द मेथड ऑफ द रैपिड मल्टीप्लीकेशन। देखिए बच्चों, हमने बोल दिया कि यहां से एक से दो सेल बने, दो से फिर चार आगे बन सकते हैं, जब वो चार पेरेंट्स बनेंगे तो उनसे आठ बन सकते हैं। तो यहां पर बहुत ही रैपिड मल्टीप्लीकेशन इस प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज अब्सेंट इन, मींस लोकेशन कहां पर होगी, इसका अकरेंस कहां पर होगा, वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स का मतलब होता है जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है ना, जो बैकबोन होती है वो होती है, और हायर वर्टेब्रेट्स, तो इनके अंदर क्या होता है, ये अब्सेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन वर्टेब्रेट्स एंड हायर वर्टेब्रेट्स। इट इज कॉमनली फाउंड इन, मीन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्टली मिलती है, प्लांट्स के अंदर मिलती है, और कुछ एनिमल्स हैं लाइक स्पंजिज एंड हाइड्रा, तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मोस्टली यू कैन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड। नाउ कम टू द कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स और यू कैन से वेज थ्रू विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, कि वो कौन कौन से वेज हैं या वो कौन से मोड्स हैं, बाय द हेल्प ऑफ दोज मोड्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। देखिए बोर्ड पे एक फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। पहला जो मोड है दैट इज फिजन, ठीक है ना। तो फिजन बच्चों हम अब डिटेल में आज यहां पर करने वाले हैं, फिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सात मोड जान लेते हैं, सात मोड है टोटल। पहला बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन दो तरीके का हो सकता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, मींस फिजन जो है दो तरीके का हो सकता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ये आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, हम इस लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट है फिर हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है रीजनरेशन, बडिंग, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और सेवंथ वन टिश्यू कल्चर, और टिश्यू कल्चर को बोलते हैं माइक्रो कल्चर। तो दीज आर द सेवन वेज थ्रू विच वी आर गोइंग टू स्टडी द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेवरल ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे फिजन, क्योंकि फिजन हमारा टॉपिक ऑफ आज, फिजन को इस लेक्चर में खत्म करेंगे, तो इसलिए अंत तक लेक्चर में बने रहना सभी। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड्स टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर बच्चों जब भी फिजन को डिफाइन करना हो, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज फिजन, ठीक है ना, एक्सप्लेन इट डिफरेंट टाइप्स, तो इस तरह से क्वेश्चन तीन नंबर में बनता है। तो फिजन को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि जो पेरेंट इंडिविजुअल है वो क्या करता है, वो स्प्लिट हो जाता है कितने भाग में, दो या दो से अधिक भागों में हो सकता है, उसको हम फिजन नाम यहां पर देते हैं। देन इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये एक सिंपलेस्ट मेथड है और कॉमनली यूज मेथड है। लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे पास अमीबा है, ठीक है, अमीबा तो हम एट्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो अमीबा के अंदर हो सकता है, पैरामीशियम के अंदर हो सकता है, एंड अदर प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन का मतलब है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि नाइन्थ क्लास में क्लासिफिकेशन हमने किया था, तो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है ना, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर प्रेजेंट इन दिस। ओके, नाउ फर्दर इट इज ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स आर बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बाइनरी फिजन क्या होगी। देखिए बच्चों, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन क्या है, और मे बी आस्क दैट हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा डिवाइड्स, ठीक है ना। तो हम वहां पे लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ द बाइनरी फिजन एंड विच इज द डिविजन और यू कैन से स्प्लिटिंग ऑफ वन सेल इंटू टू सिमिलर आइडेंटिकल सेल्स और हाउस। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों बाइनरी फिजन में, कि एक सेल है वो दो इक्वल हाउस, और वो हाउस क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एंड इट कैन बी सीन इन बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया है मोस्टली उसमें ये मेथड है डिवीजन का। दूसरा है ईस्ट, ईस्ट एक फंगस है, वहां पर भी इसके द्वारा बाइनरी फिजन के द्वारा वो डिवाइड करते हैं। और तीसरा है हमारे पास यूग्लिना, ठीक है ना। अमंग एनिमल्स अगर हम देखा जाए, अमीबा एंड पैरामीशियम जो क्या है, प्रोटोजोन्स हैं, मोस्टली दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द बाइनरी फिजन एज यू ऑब्जर्विंग इन द डायग्राम, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जब भी एक सेल डिवाइड करता है, हमने बोल दिया कि मोस्टली यहां जो मेन जो डिवीजन का मेथड है वो माइटोसिस है, और माइटोसिस बच्चों दो तरीके, उसमें दो स्टेप आते हैं माइटोसिस में, माइटोसिस में दो स्टेप हम पढ़ते हैं, कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस,
डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विल अकर। तो डायग्राम में हम ऑब्जर्व करेंगे कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम यहां पर एक सिंगल टर्म दे सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कहीं पर भी फ्यूजन हो रही हो, या बाइनरी फ्यूजन हो रही हो, या मल्टीपल फ्यूजन की जब हम बात करते हैं, तो ये कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले होगा। उसके बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म वहां पर डिवाइड करेगा, और इसके लिए एक सिंगल टर्म हम लेते हैं, दैट इज साइटोकाइनेसिस। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास पेरेंट अमीबा है, ओके। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे डायग्राम में कैरियोकाइनेसिस, एंड कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहला डायग्राम देखिए, दीज आर द सुडोपोडिया ऑफ द अमीबा, एंड हियर यू विल ऑब्जर्व दैट देर इज सम एलोंगेशन इन द एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस विल अकर। न्यूक्लियस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और यहां पर देखिए और भी ज्यादा एलोंगेटेड न्यूक्लियस, और फर्दर इस डायग्राम में देखिए कि पहले क्या हुआ है, न्यूक्लियस से डिवाइड कर चुका है कंप्लीटली, एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस बिगिन। साइटोकाइनेसिस क्या हो गया है, बिगिन हो चुकी है, एंड फाइनली जब ये मीट कर जाएगी, हमारे पास दो नए डॉटर अमीबा विल फॉर्म। दिस इज यू कैन से बाइनरी फ्यूजन विच अकर्स इन द अमीबा इन दिस वे। मींस अब ये जो डॉटर सेल आए हैं, दीज आर यू कैन से आइडेंटिकल कॉपी ऑफ दिस पेरेंट, बिकॉज दीज आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट। और हम ये भी देख सकते हैं कि एक सेल से दो बने हैं। देखिए बच्चों, यहां पर जो डिवीजन है इट्सेल्फ ए मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, कि यहां पर डिवीजन हो रहा है सेल, तो यहां पर क्या हो गया, एक मीन ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया है। लेकिन यहां पर पेरेंट नहीं बचता, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बाद क्या हो रहा है कि पेरेंट ही दो में डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब पेरेंट यहां पर कभी भी नहीं बचेगा। जब ये प्रोजेनी पेरेंट बनेंगी तो ये फिर फर्दर दो में डिवाइड हो जाएंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ यू कैन से मल्टीप्लीकेशन इन दीज ऑर्गेनिजम्स। लेकिन बच्चों, अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो क्या उनमें भी डिवीजन इसी तरह से होगी, क्या वो चेंज होगी? यस, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। कैसे? इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं विच शो सम व्हाट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, सच एज सीन इन द लेशमैनिया। लेशमैनिया एक यू कैन से पैरासाइट होता है बच्चों, ये एक पैरासाइट है, ये एक पैरासाइट है विच काज काला अजर। काला अजर क्या होता है बच्चों, कि काला अजर का जो सिम्टम होता है, एक्चुअली जब लेशमैनिया एक पैरासाइट ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, और इसको एंटर, ये पैरासाइट को कैरी कौन करता है, कैरी करती है इसको सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई क्या करती है, एक फीमेल है, फीमेल सैंड फ्लाई, ठीक है ना, ये एनिमल ब्लड के ऊपर यू कैन से फीड करती है, क्योंकि इसको आयरन की जरूरत होती है अपने एग को डेवलप करने के लिए, तो तब ये काटने आती है। तो जब ये पैरासाइट बॉडी के अंदर जाएगा, तो ये इंटरनल ऑर्गन्स में, स्प्लीन के अंदर, लाइक लीवर के अंदर ये रिजाइड करता है, और वहाँ पे इन्फेक्शन काज करता है। तो सिम्टम क्या आ जाएगा, मे बी फीवर हो जाए, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाए, ठीक है ना, ब्लड इन्फेक्शन हो जाए, तो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द काला अजर, एंड विच हैज ए विप लाइक स्ट्रक्चर। तो इसके पास एक विप लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, आप यहां देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लेशमैनिया। ये एक लेशमैनिया है, ठीक है ना, और ये क्या है, इसका एक विप लाइक स्ट्रक्चर है, विप लाइक स्ट्रक्चर है यहां पर, ठीक है ना, एट वन एंड ऑफ द सेल एंड प्रोड्यूस, और ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब चेंज क्या आएगा, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि ये कहीं से भी डिवाइड कर सकता है, यहां पर ये ऐसे डिवाइड कर सकता है, ये ऐसे भी डिवाइड कर सकता था। इस तरह की जो डिवीजन होगी उसको बच्चों हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, हम इसको कह सकते हैं, मीन्स ट्रांसवर्स ये ऐसे हुआ, लेकिन यहां पर ट्रांसवर्स नहीं होगा, यहां पर ट्रांसवर्स ऐसे बैठेगा इस तरह से, लेकिन ये ऐसे पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं बन सकती। तो इसको कैसे होना पड़ेगा, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, मींस विप लाइक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब डिवीजन यहां पर ऑब्जर्व होगा। तो दैट मींस एट अकर्स इन ए डेफिनेट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मींस जहां पर विप लाइक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग यहां पर डिवीजन होती है, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर प्लेन। देखिए बच्चों, ए डायग्राम को ऑब्जर्व करते ही हमारे पास पेरेंट है लेशमैनिया, फिर आप देखिए यहां पर सबसे पहले क्या हुआ है, एक नया
विप लाइक स्ट्रक्चर यहां से ओरिजिनेट हुआ है। और यहां पर देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट हो गया, यहां से क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट्स, यहां से क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो गया। फाइनली देखिए विप लाइक स्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है और यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो गया। और आपको बताया गया है न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। तो अगले डायग्राम में देखिए साइटोकाइनेसिस बिगिंस एंड फाइनली इट मीट्स, और यू कैन से दिस टू, यू कैन से न्यूक्लियस आर गेट इनटू द डिफरेंट टू ऑर्गेनिजम्स, ओके। एंड फाइनली जब ये यहां मीट कर जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा, दो नए डॉटर सेल्स हमारे पास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, दो नए डॉटर सेल्स या डॉटर लैशमैनिया हम इसको कह सकते हैं। इस तरह से बच्चों हमारे पास दो नए, एक ये हो गया हमारे पास, मीन्स इसके पास एक ये विप लाइक स्ट्रक्चर्स होगा और एक यहां पर ये न्यूक्लियस होगा। इस तरह जो दूसरा होगा ये है, तो ये क्या है, दीज आर बोथ आर डॉटर लैशमैनिया। तो इस तरह से बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवीजन होगी। तो यहां पर जो डिवीजन ऑब्जर्व होती है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है किस में होती है, तो हम कह सकते हैं लैशमैनिया में। एक ऑर्गेनिज्म है और जिसको हम क्या बोलते हैं युगलिना, उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल ही होती है, ठीक है ना। वो यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में यही है लैशमैनिया, इसलिए हम सिलेबस को अकॉर्डिंग यहां पर करते हैं। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन। फिजन मल्टीपल फिजन में देखिए जरा, मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब एक सेल दो या दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाता है उसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वेयर डू यू फाइंड मल्टीपल फिजन और वेयर डू यू ऑब्जर्व मल्टीपल फिजन, ओके, एक्सप्लेन इट विद डायग्राम। तो डायग्राम भी आपके सामने है। सबसे पहले हम डेफिनेशन के लिए जाएंगे कि व्हाट इज मल्टीपल फिजन। इज मल्टीपल फिजन मींस मेनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। आप देख रहे हैं कि एक सिंगल इंडिविजुअल है, इससे बहुत सारे इंडिविजुअल यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकेंड, इन अनफेवरेबल कंडीशन द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स ए सिस्ट वॉल अराउंड इट एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। कि आप देखिए यहां पर कि अनफेवरेबल कंडीशन है, तो इसने क्या किया, एक सिस्ट वॉल एक्सक्रीट कर दी, तो इसके चारों तरफ एक अराउंड इसने एक बना ली, जिसको हमने सिस्ट वॉल बोना, और जो किसकी बनी होती है, काइटिन। और काइटिन क्या होता है बच्चों, ये एक पॉलीसेक्राइड है। क्या है, ये एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है ना, जो हार्ड मटेरियल होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में इस प्लाज्मोडियम को, तो अंदर क्या है, ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ने अपने आप को कवर कर लिया है, किसे, सिस्ट वॉल से कवर कर लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड, न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स रिपीटेडली प्रोड्यूसिंग मैनी न्यूक्लियाई। और जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं फिजन, और फिजन जब भी होता है तो उसमें क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि कंटिन्यूसली न्यूक्लियस डिवाइड करता है, रिपीटेडली बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, और लेटर ऑन दीज न्यूक्लियस टेक अप द साइटोप्लाज्म एंड मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स रिपीटेडली प्रोड्यूसिंग मैनी न्यूक्लियाई एंड दीज न्यूक्लियस लेटर ईच न्यूक्लियस टेक अप द साइटोप्लाज्म एंड मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सिस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता रहा और लास्ट में जाके क्या हुआ कि इन सब ने साइटोप्लाज्म ले लिया। इसका मतलब ये जो चीज है ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये एक डॉटर सेल है। क्या है, ये एक डॉटर प्लाज्मोडियम, इसको हम कह सकते हैं डॉटर प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई हो गया, बहुत सारी डॉटर सेल इस सिस्ट के अंदर बन गई हैं। अभी सिस्ट ब्रेकअप नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी भी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। लेकिन जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी द सिस्ट ब्रेक्स अप, सिस्ट क्या है, टूट जाएगा अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसा हमने देखा कि यहां पर फेवरेबल कंडीशन आई तो ये जो सिस्ट है वाल ब्रेकअप होगी एंड मैनी यू कैन से प्लाज्मोडियम डॉटर प्लाज्मोडियम आर रिलीज्ड।
एंड स्मॉल ऑफस्प्रिंग्स आर लिबरेटेड। तो जैसा कि आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बच्चों की बहुत सारे डॉटर सेल्स यहाँ पर रिलीज हो गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मतलब ये कितना फास्ट मेथड हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का यहाँ पर होता है। और ये अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ मल्टीपल फ्यूजन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो एक एल्गी है और ये एक एल्गी ऐसी है जो सिंगल सेल्ड है, मीन्स यूनिसेलुलर है ये एल्गी, जिसका नाम है क्लामिडो मोनास, उसके अंदर ये ऑब्जर्व होती है। और एनिमल्स के अंदर मलेरियल पैरासाइट जो जो हम बोलते हैं इसको प्लाज्मोडियम, और ये क्या काज करता है, मलेरिया काज करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर मलेरिया। और यहां पर जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसकी उसको बोलते हैं हम स्पोरोजोइट, कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटर करेगा वो स्पोरोजोइट करेगा, मींस दीज आर द स्पोरोजोइट जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने वाले हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही करेंगे, अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द नेक्स्ट मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज फ्रेगमेंटेशन। अब इनको हम वन बाय वन लेंगे, आज का लेक्चर हमारा यहीं ओवर होता है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और गाइज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है, ताकि उससे मेरा मोटिवेशन और बना रहे। और आप जिस तरह के लेक्चर चाहते हैं वो भी मुझे सजेस्ट करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे लेक्चर लेके आ सकूं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।